गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में जो टॉपिक लेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। देखिए, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो अब हम यहां पे ये जो है चेक करेंगे कि जो टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और उनका एरिया इक्वल है तो क्या जो है एरिया और जो आपस में साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं ट्रायंगल्स की, क्या इनमें कोई रिलेशन है आपस में, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, थ्योरम नंबर 6.6 में मैं स्टूडेंट पढ़ता हूं क्या है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमें यहां प्रूव ही करना है थ्योरम जो है 6.6 में, 6.6 कि हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं, दिस इज ट्रायंगल्स ए बी सी और दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो हमें गिवन ये है कि दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स, गिवन यहां पर ये है गिवन गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वेयर बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वेयर और ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वेयर। हमने यहां प्रूव करना है कि दो टू सिमिलर ट्रायंगल्स का जो रेशियो ऑफ देयर एरिया है वो इक्वल टू द स्क्वेयर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये प्रूव करना। यहां हम कंस्ट्रक्शन करेंगे यहां ए से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये हमारे पास सपोज करता हूं एम है और ये एन है। ड्रा एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये हम जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे जो आपके सामने है। और अब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉल्यूशन या प्रूफ। यहां देखिए, हम पहले ये लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये कंस्ट्रक्शन हमने क्यों की है, ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रा किया है, हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट है तो इसलिए मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं कि हाइट हमारे पास आ जाए। तो दिस इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस इज बी सी और हाइट इज ए, और दिस इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्यू आर एंड हाइट इज पी एम, हाफ से हाफ कैंसिल तो वी गेट दिस इज बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एम, दिस इक्वेशन नंबर 16। इसका हम यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अभी ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर।
आपको पता है कि ट्रायंगल सिमिलर्स होती हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, या रीजन ये हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, पीक्यूआर, और ये एंगल वन है, ये एंगल टू है, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इक्वल टू इच 90 डिग्री। तो यहां पे जो सिमिलैरिटी रूल है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल के अकॉर्डिंग, वी कैन से ट्रायंगल एबीएम इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू ए, दिस इज ए ए सिमिलैरिटी रूल। और ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो हम क्या कहेंगे कि ए एम अपॉन पी क्यू, साइड प्रोपोर्शनल होंगी, ए एम अपॉन पी एन, ए एम ए बी अपॉन पी क्यू, दिस इज टू एंड एंड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये गिवन है, ये तीन नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड में तो मैंने ए एम अपॉन पी एन की वैल्यू निकाल ली, और थर्ड में मैंने बी सी अपॉन क्यू आर की निकाल ली, बी सी अपॉन क्यू आर इज दिस। तो वैल्यूज ऑफ टू एंड थ्री पुट इन नंबर वन, वैल्यूज ऑफ टू एंड थ्री पुट इन नंबर वन, वन में पुट करेंगे हम, ये वन में पुट करेंगे तो वन वाला जो हमारा रिजल्ट आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यहां पुट करेंगे वैल्यू। देखो बी सी अपॉन क्यू आर को हम लिखेंगे बी सी अपॉन क्यू आर को ए बी अपॉन पी क्यू, और उसके आगे ए एम अपॉन पी एन है, ए एम अपॉन पी एन को लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, और दिस इज ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर, यही प्रूव करना था आपने। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर और ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। सिमिलरली आप ये प्रूव कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो रेशियो ऑफ देयर एरिया इज स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड, रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड, ये हम प्रूव करेंगे। अब इसके आगे हम डिस्कस और भी करेंगे आपके साथ एग्जांपल्स। देखिए नाउ वी टेक एग्जाम्पल नंबर नाइन, नाइन्थ एग्जाम्पल देखिए आप, नाइन्थ। इन फिगर 6.43 द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू द साइड एसी ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। कि हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, दिस इज ए बी सी, एक्स वाई इज पैरेलल टू
एसी ये गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रेशियो एक्स अपॉन एबी, ये रेशियो। तो आप क्या करेंगे इसमें, देखिए सॉल्यूशन में एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी गिवन है हमें, तो देयरफॉर एंगल वन इक्वल टू एंगल टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अब हम ये लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स बी सी एक्स बी वाई। तो आप देख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन है और एंगल वन इक्वल टू एंगल टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स बी वाई सिमिलर है। और आपको अभी भी बताया है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ ट्रायंगल एबीसी लेता, चलो मैं इसका एबीसी लिख दूं, अपॉन रेशियो ऑफ देयर एक्स बी वाई इक्वल टू, अब ये देखो यहां पे जो मैंने ट्रायंगल लिखी वो बड़े वाले ट्रायंगल लिखी है एबीसी, तो दिस इज एबी स्क्वायर एबी और ये आएगा बी एक्स एबी अपॉन एक्स बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा है क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी एरिया की जो रेशियो है वो इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब दिस इज 2/1, ये 2/1 है क्यों, हमारे गिवन है कि ये जो एक्स वाई है वो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है एरिया वाइज इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस 2:1 और दिस इज ए बी अपॉन एक्स बी का होल स्क्वायर, और अब स्क्वेयर को साइड में लेके आएंगे तो रूट टू वन का स्क्वेयर वन होता है, तो ए बी बाई एक्स बी। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां पहले तो ए बी बाई एक्स बी लिखो रूट टू बाई वन, रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स बी अपॉन ए बी, अरे वन बाय रूट टू आ जाएगा, रेसिप्रोकल बोथ साइड। अब आप क्या करेंगे, माइनस लेंगे दोनों साइड में एक्स बी अपॉन ए बी एडिंग वन बोथ साइड। यहां पे हम ए बी एलसीएम लेंगे, ए बी एलसीएम तो ए बी माइनस एक्स बी, रूट टू एलसीएम लेंगे रूट टू माइनस वन, तो ए बी माइनस एक्स बी, देखिए ए बी माइनस एक्स बी करेंगे आप तो ए एक्स आ जाएगा रूट टू माइनस वन बाई रूट टू, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाए। ठीक है, यहां ये समझने वाली बात है कि दिस अपॉन दिस 2/1 कैसे आ गया, ये गिवन स्टेटमेंट में कि एक्स वाई जो है वो ए बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो टोटल पार्ट टू है तो ये पार्ट वन हो जाएगा। ठीक है, 2:1 में डिवाइड करती है, तो ऐसे हमने ये फाइंड आउट करना। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है, आप काफी लोअर क्लासेस के अंदर यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अब मैं दो थ्योरम्स इकट्ठी ले हुआ, एक तो 6.7 और एंड 6.8, ये दोनों का प्रूफ मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, दोनों का प्रूफ करता हूं। यहां हम पाइथागोरस को हम जो है
इंप्लीमेंट करते रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, लेकिन प्रूफ नहीं किया अभी तक हमने उसका। हम उसकी जो है एप्लीकेशन में यूज करते हैं पाइथा कोर्स थ्योरम को, लेकिन आज हम प्रूफ बताएंगे कि आप प्रूफ कैसे करेंगे, ये जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं इनकी हेल्प से इसका प्रूफ करेंगे हम। और स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, सबसे पहले 6.7 की स्टेटमेंट पढ़ता हूं कि इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल टू ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। तो इसका क्या मीनिंग है, देखिए एक बार इसका मीनिंग समझ लीजिए। ये थ्योरम नंबर 6.7 है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ये एंगल 90 का है और ये एबीसी है, एबीसी, और ये एंगल 90। ये कहता है कि यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, डी पे कट करता है, सपोज करता हूं ये ट्रायंगल जो है, ये वाली ट्रायंगल जो है इस साइड वाली, ये भी होल ट्रायंगल्स के सिमिलर है, प्रूव करनी है हमने। ये ट्रायंगल जो है ये भी होल के प्रूव करने है, सिमिलर है, और ये दोनों आपस में भी सिमिलर है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है हमारा ये 6.8 वाला टू प्रूव, इसमें तीन पार्ट प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने ये प्रूव करना है इसके अंदर कि ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग लिखे, देखो ए ए के कॉरस्पॉन्डिंग है, डी बी की कॉरस्पॉन्डिंग है, क्यों, डी पे 90 का है, यहां बी पे 90 का है, और सी बी फिर सी के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड ट्रायंगल सी डी बी, बी डी सी, बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो अब इसमें थर्ड पार्ट में क्या है कि ये देखो ये ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर है और दिस ट्रायंगल इज ऑल्सो सिमिलर टू ए बी प्रूव करना है, ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये प्रूव करना हमने ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, ये प्रूव करना। तो ये तीन पार्ट्स तो आपने प्रूव करने हैं 6.7 में। अब 6.8 में क्या प्रूव करना है, फोर्थ 6.8 का रिजल्ट है। तो पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमने प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये पाइथागोरस है, ये 6.8 का रिजल्ट। तो आपको मैं इकट्ठा एक में कर देता हूं, आपने ऐसे दोनों में एक जैसा ही काम करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा सिंपल है। तो अब मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं, प्रूफ की बात करता हूं। प्रूफ, ये पहले तीनों रिजल्ट है 6.7 के और ये रिजल्ट है 6.8। तो अब देखिए आप, पहले आप इस फर्स्ट पार्ट से आइए कि फर्स्ट पार्ट के लिए बात करते हैं कि इन ट्रायंगल ए पी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल लेता हूं, इसमें ए कॉमन है दोनों, कॉमन है, और इसमें एंगल डी 90 का है और इसमें एंगल बी 90 का है, ये 90 डिग्री होगा। तो टू एंगल्स इन बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा इजी था, यहां पे ए ए सिमिलरिटी रूल यहां लग जाएगा, और ए ए सिमिलरिटी रूल लग जाएगा तो साइड्स पर पोजीशन होंगे। तो साइड को पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब मैं साथ साथ फोर्थ पार्ट की तैयारी कर रहा हूं कि भाई 6.8 का प्रूफ क्या होगा। 6.8 में पहले तीन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे आप जैसे लिखा हुआ है, फिर क्या है कि ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, तो एडी इसकी साइड है, एडी
एडी अपॉन एबी, एबी इसकी साइड है। अब एबी, एबी इसमें भी है अपॉन एसी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एडी मल्टीप्लाई एसी इक्वल टू एबी स्क्वायर, दिस इज वन। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट ये वाला, इन ट्रायंगल बीडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन है, कॉमन, और एंगल डी ये 90 का है और यह बी 90 का है फोल्ड, तो इससे क्या होगा, साइड्स आर टू एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, सिमिलर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सीडी, सीडी अपॉन, ये सीडी छोटे वाले की है, इस साइड इसकी से सीडी अपॉन बीसी और बीसी अपॉन एसी, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीडी मल्टीप्लाई एसी इक्वल टू बीसी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए हमारे, मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दी, सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट तो यहां प्रूव हो गया था और सेकंड पार्ट यहां प्रूव हो गया, तो अब इन दोनों से कर सकते, देखिए थर्ड इससे और इससे आप लिखें कि ये ट्रायंगल्स एबीसी के सिमिलर है और दिस इज ट्रायंगल आल्सो सिमिलर टू एबी, फ्रॉम दिस एंड दिस दे आर सिमिलर टू इच अदर, थर्ड पार्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस एंड दिस दे आर सिमिलर, थर्ड पार्ट के लिए। अब मैं फोर्थ पार्ट के लिए एफर्ट्स कर रहा हूं, ये वाला पार्ट मैंने फोर्थ के लिए लिखा है, ये वाला पार्ट भी फोर्थ के लिए लिखा है जो 6.8 फोर में। अब एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू वी गेट, हम ऐड करेंगे एडी मल्टीप्लाई एसी प्लस सीडी मल्टीप्लाई एसी इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, यहां से एसी कॉमन आ जाएगा, एडी प्लस सीडी। अब देखो एडी प्लस सीडी, इसमें देखो एडी प्लस सीडी, एडी और सीडी ऐड करते एसी इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या एसी इंटू एसी एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब देखिए एसी इंटू एसी एसी स्क्वायर हो जाएगा और दिस इज एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये हमने जो है ये पाइथागोरस प्रूव कर दी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो हम लोअर क्लासेस से पढ़ रहे हैं। देखिए जो पाइथागोरस ने जो प्रमेय प्रूव की, इससे पहले ऑलरेडी एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जो बुद्धायान, जो है एक मैथमेटिशियन थे बुद्धायान, तो उन्होंने ये ऑलरेडी प्रूव कर दिया था, ये एक मैथमेटिशियन इसमें 800 BC में, तो उन्होंने ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये ऑलरेडी पहले प्रूव कर दी थी, दिस इज इंडियन मैथमेटिशियन, और इस थ्योरम को हम जो है बुद्धायान थ्योरम भी कहते हैं, बुद्धायान थ्योरम। इन्होंने एक अलग वे में किया था, इन्होंने अलग वे में कैसे थ्योरम प्रूव की थी, कि कोई भी मान लो रेक्टेंगल है, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, इसका जो डायगनल होता है, तो उन्होंने ये कहा था कि रेक्टेंगल का डायगनल इसका स्क्वेयर, डायगनल जो है डायगनल से स्क्वेयर बना दें और इन दोनों साइड से हम स्क्वेयर बनाएं तो उनका एरिया इक्वल आता है, एरिया इक्वल आता है। तो जो बुद्धायान जो है जो मैथमेटिशियन हुए हैं इंडियन मैथमेटिशियन, इन्होंने ऑलरेडी जो है 18 BC अबाउट 18 BC के अबाउट जो है ये थ्योरम प्रूव कर दी थी, और उन्होंने ये लिखा ये था इस थ्योरम के इक्विवेलेंट है ये कि द डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल प्रोड्यूसेस बाय इटसेल्फ द सेम एरिया एज प्रोड्यूस्ड ऑफ इट्स बोथ साइड लेंथ एंड ब्रेथ। ये जो है दयाल ने एक जो है आइडिया दिया था हमारे को, और ये आप इसके अंदर पढ़ भी सकते हैं, और इसको बुद्धायान थ्योरम भी हम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को। थैंक यू वेरी मच।